नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सलीम पत्रकार रोसा सीतापुर। आइए मैं खबर से रूबरू कराऊंगा। सीतापुर के विकास खंड रोसा ग्राम कुसमौरा जो गेहूं कार्य केंद्र के ऊपर उपस्थित हुए हैं और हम बात करेंगे गेहूं कार्य केंद्र के प्रभारी से और उन लेबरों से। जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मंडी महंगी हो गई, इसके कारण से हमारे कार्य के गेहूं केंद्र कार्य के ऊपर किसान गल्ला नहीं लाते हैं और जो लोकल व्यापारी हैं औने पौने में दामों में खरीद कर और उनको गुमराह कर देते हैं और सरकारी कार्य गेहूँ केंद्र के ऊपर गल्ला नहीं लाते हैं। हम लोग यहाँ पे करीब एक हफ्ता गुजर जाने के बाद अभी तक केवल मात्र 150 कुंटल की तौल की है, जो सीधे स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को हम दिखाएंगे और बताना भी चाहेंगे। क्योंकि आवारा पशु ने किसानों की फसल को गेहूं की बर्बाद कर दिया और गेहूं की पैदावार नहीं तो किसान लाएंगे क्या। भैया पहले अपना परिचय दीजिए हमें। इमरान सिमरा, थोड़ा तेज बोलो। इमरान सिमरा। इमरान सिमरा, किस पद पे आप तैनात किए गए हैं, आप क्या करते हैं और किस सरकारी सेंटर के प्रभारी हैं। अच्छा अच्छा, ये सेंटर कहाँ पे लगा है? कुसमौरा। यहाँ पे गल्ला जो आ रहा है तो किसान गल्ला क्यों नहीं ला रहा है, इसका रीज़न क्या है ये बता दीजिए। रीज़न ये है कि मंडी का रेट महंगा है जी, और 2015 है संतर का, इसलिए नहीं आ रहा। अच्छा, तो गल्ला अभी तक कितनी तौल हुई आपके पास, कब से ये चालू हुआ था? ये हमारा चालू हुआ 17 तारीख को। 17 तारीख को, फिर कितने अभी तक गल्ला तौल किया है आपने? मतलब 2-3 किसान लाए हैं। अच्छा, तो क्या आप कहेंगे ये बताइए, सरकार से आपको संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे गल्ला कम आता है या नहीं आता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये बता दीजिए। संदेश देना चाहें, रेट गिराएं, यहाँ पर किसान गल्ला भेजें, मंडी का रेट कम करें। फिलहाल के कितनी तौल हो गई होगी? होगी लमसम 100-150 कुंटल। 100-150 कुंटल किसान तौल गए हैं। बात करेंगे सेंटर के जो लेबर हैं उन लोगों से, हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये लोग कब से बैठे हैं और ये लोग गल्ला पाते हैं, किसान यहाँ पे लाते हैं, उपलब्ध कराते हैं कि नहीं कराते हैं, या बैठे लोग खा रहे हैं, कब से खा रहे हैं, थोड़ा इनसे जानकारी लेंगे। चाचा आपका नाम क्या है? कहाँ पे रहते हैं? अच्छा, ये सेंटर कहाँ पे लगा है? कुसमौरा लगा है। यहाँ पे गल्ला आता है क्यों नहीं आता ये बता दीजिए। गल्ला किसान लाता ही नहीं। क्यों नहीं लाता है गल्ला? मंडी महंगी है तो यहाँ कौन लाए? मंडी महंगी है और तो आपने कितने लोग यहाँ पे हैं मजदूर? 7-8 लोग हैं। तो फिर आपका खर्चा कैसे निकलता होगा यहाँ पे? प्रभारी देते हैं। तो फिर सरकार को क्या संदेश देंगे आप कि बैठे बैठे प्रभारी आपको खिलाएगा कि सरकार खिलाएगा ये बता दीजिए। हम क्या बताएं, प्रभारी जाने सरकार जाने, हम काम ही नहीं तो क्या करें। अभी तक कितनी तौल हो गई होगी? हो गई तो 100-150 कुंटल बस। कितने दिन में? 17 तारीख से। आप लोग देख सकते हैं जो लेबरों के और जो प्रभारी सेंटर की जो अंश के बात मोबाइल के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से कैद किए गए हैं, जो सीधे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे छल्ली जो लगी है तो इससे पूर्व पहले जो लगी हुई थी तो यहाँ पे जगह नहीं मिलती थी और आज ये स्थिति हो गई है कि आप देख सकते हैं।